नमस्कार दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हमारे अन्य वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? ऑप्शन ए ऋषि वाल्मीकि, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी संत एकनाथ, ऑप्शन डी अभिनंदन। चलिए 10 सेकेंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में। आप ये वीडियो जब भी देख रहे हो सही उत्तर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 10 सेकेंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामायण की रचना मूल रूप से ऋषि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी। ओके, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए भगवान विष्णु, ऑप्शन बी भगवान शिव, ऑप्शन सी भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन डी शेषनाग। चलिए 10 सेकेंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी शेषनाग, भगवान राम को भगवान विष्णु का और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ऑप्शन बी गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। ऑप्शन सी यजुर्वेद में सबसे पहली गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी केवल ए और बी सही है। ठीक है, चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल एक और दो सही है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ठीक है, यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। ऋग्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यजुर्वेद नहीं होगा, ऋग्वेद होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उस जंगल का नाम बताएं जहां भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता वनवास के दौरान रुके थे। ऑप्शन ए अरण्य, ऑप्शन बी अरण्यक, ऑप्शन सी दंडकारण्य, ऑप्शन डी करण्या। ठीक है, चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन सी दंडकारण्य।
दंडकारण्य में भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण ने वनवास बिताया था। ओके, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, किस वैद्य ने भगवान राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के बारे में बताया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए विसारण, ऑप्शन बी सुषेण, ऑप्शन सी वाराहमिहिर, ऑप्शन डी महावीराचार्य। ठीक है, 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी सुषेण। सुषेण वैद्य ने भगवान राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के बारे में बताया था। ठीक है, ऑप्शन बी सुषेण। अगला क्वेश्चन, भगवान राम के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए शालीसुखा, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी राजाधिराज, ऑप्शन डी दशरथ। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी दशरथ। दशरथ भगवान राम के पिता थे, वह अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 पत्नियां जिनका नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, भावार्थ रामायण किसने लिखी थी? ऑप्शन ए माधव कंडाली, ऑप्शन बी एकनाथ, ऑप्शन सी कृतिवास, ऑप्शन डी बुद्ध रेड्डी। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी एकनाथ। ठीक है, भावार्थ रामायण को एकनाथ ने लगभग 16वीं शताब्दी में मराठी में लिखा था। ठीक है, भावार्थ रामायण एकनाथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रामचरितमानस के कांड हैं? ऑप्शन ए बालकांड, ऑप्शन बी अरण्यकांड, ऑप्शन सी किष्किंधा कांड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक, रामचरितमानस को 7 कांडों में विभक्त किया गया है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उस धनुष का नाम बताइए जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। ऑप्शन ए पिनाक, ऑप्शन बी पिंडिका, ऑप्शन सी आनंदका, ऑप्शन डी रूलापांड। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए पिनाक। भगवान राम ने सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष का पिनाक का उपयोग किया था। शिव के धनुष के पिनाक का, सॉरी। ठीक है,
ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, रावण किस वाद्य यंत्र को बजाता था या बजाया करता था? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी मजीरा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए बीड़ा। लंका का राजा रावण बीना वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक, तो चलिए पूरे हुए इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।